कहाँ रह गई? बोला भी था जल्दी आना। या अल्लाह कोई मुसीबत ना हो जाए। इसे डर क्यों नहीं लगता? मेरा तो दिल घबरा रहा है। अरे अरे, ये कौन से रोड से जा रहे हैं आप? क्लिफ्टन रोड पे जा रहे हैं ना? नहीं, क्लिफ्टन वाले रोड पे क्या? शिप, आपका घर है वहाँ इसलिए। I'm so sorry, मैं भूल गई थी। क्या भूल गई थी आप? वो मेरा मतलब है, इस वाले रोड से मैं नहीं जाती ना अक्सर, मैं वो दूसरे वाले रोड से जाती हूँ। यहाँ पे आना जाना मेरा काफी कम होता है। अच्छा, इसीलिए। I see. जी। रमशा, वैसे एक बात ऑब्जर्व की है मैंने। जी। फोन पर आप इतनी बातें करनी थी, लेकिन अब जब आपने सामने है तो आपकी तो बोलती बंद हो गई है। Are you okay? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं आपको कुछ बताऊं? आप इतना प्यारा बोलते हैं, इतना खूबसूरत बोलते हैं, मेरा दिल चाह रहा है कि आप बोलते रहे, मैं आपको सुनती रहूं। That's so sweet of you. यहाँ से ले लूँ फिर अंदर? नहीं, आप एक काम करें, बस यहाँ लेफ्ट पे मुझे उतार दे, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। यहाँ से 2 मिनट की वॉक है। अरे, क्या बात कर रही हैं आप, ऐसा तो नहीं कर सकता मैं। I'll drop you home ना? नहीं, वो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, आप बस अपना काम कर लें आराम से, आपको तकलीफ होगी तो इसलिए मैं यहाँ ड्रॉप कर देने से। Are you sure? अच्छा, चलें। थैंक यू। आप अपना ख्याल रखिएगा। आप भी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय। भी था नहीं, जा सुनती नहीं है ये लड़की मेरी। एनी! क्या? एनी? एनी, मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ? एनी, मुझे प्यार हो गया, पहली नजर में मुझे अफनान से प्यार हो गया। वो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। जब मैंने उसे देखा ना, वो इतना हैंडसम लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था, क्या ड्रेसिंग थी उसकी कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं भैया, कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने आपके कपड़े इस्त्री करके ना अंदर रख दिए। एनी, वो इतना प्यारा लग रहा था, मुझे लगता है मुझे ना पहली नजर में प्यार, बल्कि मुझे उससे इश्क हो गया, वो बहुत अच्छा लग रहा। भैया देखो, सुन लिया ना तो कहाँ बता देगी। क्या हो गया? तुम तो ऐसे डरी तो सिर्फ अफनान से मिलके, मैं नहीं तुम आई हो। रमशा, तुम भी फंसोगी, मैं भी फंसूंगी, चलो अंदर। इतना प्यारा लग रहा था, इतनी प्यारी, जैसे ये कहाँ गायब है, आया क्यों नहीं अभी तक? आते ही होगा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि काम कैसे चल रहा है तुम्हारा? ऑफिस तो बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। काफी अच्छे से संभाला हुआ है इसको। ले भाई, आ गया। हाँ जी,
क्या हाल चाल, कैसे? मैं ठीक हूँ भाई, तुम कहाँ गायब थे? अरे यार, मैं एक दोस्त से मिलने के लिए गया हुआ था। किस दोस्त से मिलने गए थे? वो तुम नहीं जानती उसे। ऐसा कौन सा दोस्त है जिसे मैं नहीं जानती? यार ऐसे तो बहुत से दोस्त हैं, लेकिन ये एक बिजनेस मीटिंग के लिए आए थे मिलने के लिए मुझसे, तुम नहीं थे तब ऑफिस में, तो बहुत इसरार कर रहे थे कि भाई उनके साथ लंच पर चलूं। मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ डिटेल्स दे लेंगे जाके। खैर तुम बताओ क्या सीन है वो रमशा? अंदा अम्मी, वो बस चेंज करने जा रही हूँ, वीडियो बन गई थी। तुम्हें पता है मैं ये सूट ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई हूँ, पर सत्या 900 तुम्हारी इस वीडियो का, तुम्हारी इस जुनून ने ना मेरा नाक में दम करके रखा हुआ है। अरे दुआ करती हूँ अल्लाह से तुम्हारी इस वीडियो पे एक भी लाइक ना आए। अल्लाह को माने इतना तैयार हुई हूँ मैं और टिकटॉक पे लाइक सी ना आए, ऐसे नहीं बोले अम्मी, बद्दुआ वापस लें भाई। किससे पूछ के पहना तुमने ये सूट? हाँ अगर इसमें जरा सा भी धब्बा लग जाता ना तो बस तुम बहुत नाराज होती, और अगर उसे ये पता चल जाएगा कि तुमने पहना है तो कयामत आ जाएगी। कौन बताएगा उनको, कोई भी नहीं ना, और आप इतना परेशान ना, उनको नहीं पता चलता। 10 मिनट के लिए पहना, गेस थोड़ी गया जोड़ा, एक टिकटॉक और बना रही हूँ फिर जाती हूँ चेंज करने। खबरदार, और मेरे जो कपड़े आया करे ना सिलने के लिए, तो उनकी तरफ देखा भी मत करो। तुम सुनती कहो मेरी बात, तुम्हारा तो 24 घंटे ध्यान ना इस वीडियो में लगा रहता है। जा रही हूँ एक वीडियो बना के, बस जा रही हूँ। याल्ला, अफनान? हाँ? वो कल अशर के घर वाले मिलने आना चाह रहे हैं। क्यों? अशर ने मुझे प्रपोज किया है ना। क्या? अशर ने तुम्हें प्रपोज किया और तुम मुझे अब बता रही हो? हाँ तो आज ही तो प्रपोज किया है, और सबसे पहले तुम्हें ही बता रही हूँ, अभी तक किसी को नहीं बताया मैंने। वैसे एक बात है, मैंने अंदाजा लगाया ये अशर जो है ना एक नंबर का गधा है। क्यों? तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? तुम जेलस हो रहे हो? क्या? क्या मैं अशर से जेलस? क्यों भाई? क्योंकि उसने मुझे प्रपोज किया है। तो उसने तुम्हें प्रपोज करके ना कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया कि जो मैंने मारना था? अच्छा वैसे अलीजे एक बात तो बताओ, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं अशर से जेलस होऊंगा? वो वैसे ही पूछ रही थी तुमसे। नहीं, लेकिन फिर भी कुछ तो लग रहा होगा ना तुम्हें कि जिस वजह से मैं जेलस हो रहा हूँ। अफ़नान कोई बात नहीं है। अरे अलीज़े बताओ ना, मैं सुनना चाहता हूँ भाई।